महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन में राम सीढ़ी के समीप 84 महादेवों में छठे नंबर के महादेव स्वर्ण जालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय शिव पार्वती को रमन करते 100 वर्ष हो गए, परंतु तारकासुर को मारने के लिए उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तब देवताओं ने अग्नि को शिव के पास विनती करने भेजा। उस समय शिवजी ने रति बाधा के कारण अपना वीर्य अग्नि के मुख में डाल दिया। उसका दाह सहन न करने के कारण अग्नि ने उस वीर्य को गंगा में डाल दिया। फिर शेष वीर्य के कारण अग्नि से उत्पन्न कार्तिकेय स्वर्ण के समान दैदीप्यमान हो गया। उसे पाने के लिए देव, दानव, गंधर्व आदि आपस में लड़ने लगे। उस युद्ध के कारण पृथ्वी कांप उठी। तब बाल खिल्य आदि ऋषि और इंद्र आदि देवता बृहस्पति को आगे कर ब्रह्मा के पास गए। शिवजी ने जान लिया कि अग्नि के पुत्र के कारण यह सर्वनाश हुआ है, वह ब्रह्म हत्या का दोषी है, इसलिए उसे छेदन, दहन और घर्षण की पीड़ा भुगतनी पड़ती है। अग्नि भी अपने पुत्र के साथ शिव के शरण में आई। अग्नि ने निवेदन किया कि आप मेरे पुत्र स्वर्ण को अपने भंडार में स्थापित करें, आपको प्रसन्न करने पर ही इसकी प्राप्ति संभव हो। तब शिव ने अग्नि पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया और उसे महाकाल वन में स्थान दिया। यह स्थान करकोटक के दक्षिण में है। इसके दर्शन से तथा स्वर्ण का दान करने से शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। इस शिवलिंग के ज्वाला समान होने से यह स्वर्ण ज्वालेश्वर कहलाया। भगवान शिव और पार्वती ने उसे अपने पास स्थान दिया। जो लोग चतुर्दशी को स्वर्ण ज्वालेश्वर की पूजा करते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।